और सीएए पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने निशाना साधा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद का कहना है कि केजरीवाल का सीएए को लेकर अजीब सा तर्क आया है। उन्होंने कहा कि इससे किसी की नौकरी नहीं जाएगी और ना ही किसी की नागरिकता ली जाएगी। आज केजरीवाल का एक बहुत ही विचित्र वक्तव्य आया है, बाहर के लोग नौकरी लेंगे, न किसी की नौकरी ली जाएगी न किसी की नागरिकता ली जाएगी। ये बात हम बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं। और सीधे आपको अब बीजेपी की प्रेस वार्ता में ले चलते हैं। काम किया है और 37 साल का आपका राजनीति का लंबा सफर रहा है। आज वे भारतीय जनता पार्टी में अजय जी शामिल हो रहे हैं, हम उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज इस ज्वाइनिंग के कार्यक्रम में हम लोगों के मध्य भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री विनोद तावड़े जी हम लोगों के मध्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता साथी प्रेम शुक्ला जी और केके शर्मा जी भी हम लोगों के मध्य हैं। मैं सबसे पहले विनोद तावड़े जी से आग्रह करूँगा कि श्री अजय कपूर जी को पार्टी की सदस्यता की पर्ची देकर उनका विधिवत पार्टी में आमंत्रण करें। ले आप बुके लाओ। विनोद तावड़े जी से आग्रह कि मीडिया के साथियों को संबोधित करें। सबको नमस्कार। अजय कुमार जी का स्वागत करते हुए इस पार्टी में मुझे विशेष आनंद इसलिए है कि मैं भी बिहार का प्रभारी हूँ भाजपा का। अब कांग्रेस के भाजपा के बिहार के प्रभारी आ गए तो ये 1+1 2 नहीं हुआ, 1 और 1 11 हो गए और इसका बिहार में हमको और लाभ मिलेगा। अजय जी का उत्तर प्रदेश के राजनीति में योगदान हम सब जानते हैं और मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में आने पर भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश है, बिहार और बाकी भी स्वाभाविक सभी क्षेत्र में उसको हमें तो लाभ होगा ही। और भारतीय जनता पार्टी की ये प्रथा भी रही है कि हर कार्यकर्ता को उसकी क्षमता के अनुसार, उसकी कुशलता के अनुसार उसके काम को न्याय देने की परंपरा ये भारतीय जनता पार्टी में है और इसलिए अजय कुमार जी के काम पोटेंशियल्स को पूरा न्याय भी मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी को उनके काम का, उनके अनुभव का लाभ भी होगा। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अजय जी से आग्रह है कि मीडिया के साथियों को संबोधित करें। सम्मानित तावड़े जी, सम्मानित सारे पदाधिकारी, मेरे मीडिया साथियों, आज मेरे लिए जीवन के, मैं तो ये मानता हूं कि नए जीवन की शुरुआत, मैं इस देश के नेता और पूरी दुनिया के युग पुरुष भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के परिवार में शामिल होकर अपने आप को अनुभूत पा रहा हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मेरा राजनीतिक 37-38 वर्षों का राजनीतिक जीवन मैंने बड़ी ईमानदारी के साथ कांग्रेस पार्टी में बहुत से पदों पर काम किया, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि देश में हर व्यक्ति को देश की तरक्की के लिए अपने आप को मोदी जी के परिवार में सम्मिलित करना चाहिए। मैं स्वागत करना चाहता हूं और अपने आप को, जीवन जितना मेरा है, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को समर्पित करता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं भारत के यशस्वी गृह मंत्री जी का, भारतीय जनता पार्टी जी के
आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय तावड़े जी का, अनिल जी का और मेरे बड़े भाई और भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री आदरणीय सुनील बंसल जी का सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और इस वचन के साथ कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन पर उनके परिवार के रूप में पार्टी की सेवा करूंगा, ईमानदारी से समाज की सेवा करूंगा और जीवन में जो भी मेरे से बन पड़ेगा इस देश की समृद्धि सुख में और लोगों की सेवा में और अपनी पार्टी के लिए लगाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, आपका स्वागत है। प्रज्ञा, आप कुछ सवाल पूछना चाहती है? विनोद जी से पूछ लीजिए प्लीज। विनोद जी से तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। अजय कपूर बीजेपी में शामिल हो गए हैं और बीजेपी में शामिल होने को उन्होंने अपना सौभाग्य बताया है और उन्होंने कहा है कि एक बहुत बड़ी बात है, अपना नया जीवन उन्होंने बताया है कि वो अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। रविशंकर प्रसाद, बीजेपी नेता, वरिष्ठ बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि सीएए के मामले में विपक्ष झूठ फैलाना बंद करे। भाजपा नेता ने कहा कि हम दक्षिण की पार्टियों से भी कहना चाहते हैं कि झूठ बोलना बंद करें। छोड़ो यात्रा है। धन्यवाद रविंद्र जी। क्या रविंद्र जी? हाँ सर, इसी से जुड़ा हुआ है, ज्वाइनिंग से जुड़ा हुआ है सवाल है। आपने बिहार का जिक्र किया कि अजय जी के आने से बिहार और मजबूत होगा, तो अभी जो गठबंधन मौजूद है उसमें जो को लेकर अभी रस्साकसी चल रही है, तरक्की चल रही है, क्या ये सीटों का बंटवारा हो जाएगा जिससे अजय जी का वहाँ पर आपको और सहयोग मिल सके? रस्साकसी तलातनी कहा देखी आपने? मुझे पता नहीं, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दिया। सब अच्छी तरह से अगले 24 घंटे में आपके सामने आ जाएगा। हाजीपुर सीट को लेकर चाचा भतीजा कुछ नहीं। तावड़े जी, अभी कुछ दिन पहले राजेश कृष्णा पूर्व सांसद थे वाराणसी से, वो भाजपा जाएंगे, अजय कपूर को बुलाया, कांग्रेस के कुछ और बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश के। तो बीजेपी